वेलकम गाइस, विंकट हियर एंड आज हम एक और मजेदार चीज सीखेंगे इन पाइथन। आज हम सीखेंगे कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं और क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ नहीं, एक सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि आप जब भी एक प्रोग्राम लिखते हो, इट वॉन्ट रन इन अ सिंगल फ्लो। सिंगल फ्लो में नहीं होता, कुछ कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ती है एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन आपको एक रिजल्ट जनरेट करना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं यूजिंग इफ एल्स और एलिफ। एलिफ क्या है और कैसे क्या है उसकी सिंटैक्स आज हम जानेंगे, और उसके साथ एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम एज यूजुअल मैंने ऑलरेडी प्लान की है आज के लिए, आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन में। सो लेट्स बिगिन। सो बिफोर राइटिंग कंडीशनल स्टेटमेंट मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट की सिंटैक्स क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ नहीं, एक सिंपल सा इफ एल्स ब्लॉक है, इफ एल्स ब्लॉक। तो इससे क्या होता है कि कंसीडर आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज है जिसके बेसिस पे आपको एक कोड लिखनी है। कंसीडर आपके हाइट अगर 10 है तो आपको उसका हाइट एवरेज लिखना है, और अगर उसका हाइट 20 है तो आपको गुड लिखना है। तो ये कैसे होगा? यू कैन यूज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसे लिखने के लिए आप इफ एल्स स्टेटमेंट की सहायता ले सकते हो। अब इफ एल्स की सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले सिंटैक्स चेक करेंगे हम। इफ कंडीशन कोलन, एज यूजुअल ये भी एक फंक्शन काइंड ऑफ थिंग है, कोलन से पता चलता है इफ कंडीशन खत्म हुआ और नेक्स्ट लाइन में उसकी सीनेरियोज या उसकी आउटपुट जो भी है वो वर्क होगी पाइथन में, यहाँ पे रिजल्ट होगा, या फिर एल्स कोलन यहाँ पे रिजल्ट होगा। दिस इज बेसिक सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स कंडीशन। अब हम जानेंगे कैसे इफ एल्स कंडीशन लिखा जाएगा और एक एग्जाम्पल की ओर से कोशिश करेंगे उसे लिखने के लिए। लेट्स ट्राई विद बेसिक एग्जाम्पल। मैं दो इनपुट लूंगा x, y और इसको पास करूंगा 10, 100। लेट्स सी, दो इनपुट लिया मैंने। अब इस नंबर को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और बेस्ड ऑन द रिजल्ट हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे। इफ x ग्रेटर देन y प्रिंट x is greater than y, some basic सा हो गया। What if not else, PLSE else, colon दे दिया मैंने, print x is less than y। तो आप देख सकते हो, let me remove the comment here because क्या होगा कि हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। लेट्स सी, इट्स एकदम बेसिक एग्जांपल लिखा जहाँ पे मैंने दो इनपुट लिया x और y, और मैं x और y की बेस्ड ऑन कंडीशन में एक रिजल्ट प्रिंट करना की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम इसे रन करने की कोशिश करेंगे। python.conditional.py आप देख सकते हो x की वैल्यू y से कम है इसलिए x इज लेस देन y प्रिंट हुआ। बट इसमें एक बड़ी फ्लॉ है जो हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसको 100 करता हूं और अगर इसको मैं 10 करता हूं, फिर से रन करने पे x is greater than y बहुत सही से प्रिंट हुआ। बट अगर मैं इसको दोनों को इक्वल करता हूं तो क्या प्रिंट होगा? x is less than y। ये क्यों? क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहला इफ कंडीशन चेक होता है। अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो डायरेक्ट एल्स कंडीशन प्रिंट हो जाता है। इट वोंट चेक, वो लॉजिक नहीं लगाता है कि वेदर इट्स इक्वल और ना। मैंने x ग्रेटर देन y मतलब x 100 और ग्रेटर देन y 100, ये कंडीशन फॉल्स है बिकॉज ऑफ विच उसने प्रिंट किया x इज लेस देन y। इसको चेंज या मॉडिफाई करने के लिए हम एक और स्टेटमेंट बीच में ऐड करेंगे, एल्स इफ। एल्स इफ बाकी अगर प्रोग्रामिंग देखोगे तो वहां पे उसे एल्स इफ कहा जाता है, बट इन पाइथन इट इज एलिफ। और उसे लिखने के लिए आप एल इफ, और अब हम कंडीशन डालेंगे x लेस देन y प्रिंट x इज लेस देन y, और इसको हम मॉडिफाई करके कर देंगे x इज सेम
वाई। तो अब हमने तीन कंडीशन लिखी है जिसमें पहला कंडीशन है अगर x ग्रेटर देन y है तो ग्रेटर प्रिंट करेगा, x लेस देन y है तो लेस प्रिंट करना चाहिए, एल्स इसको सेम। तो अब हम अगर हम इस रिजल्ट को फिर से रन करने की कोशिश करेंगे, x इज सेम एज y, नाउ इट हैज वेंट टू द करेक्ट कंडीशन। तो हम फिर से एक और बार सेम कंडीशन रन करके देखेंगे, x इज लेस देन y क्योंकि x 10 है और y की वैल्यू 100 है। अगर मैं इसको 100 करता हूं और इसको 10 करूंगा तो नाउ इट शुड प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। तो अब हमारी प्रोग्राम एकदम परफेक्टली रन कर रही है। तो इससे आपको एकदम सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज हाउ हम इफ और एल्स इफ यूज करते हैं। अब देयर इज अ सिंपल वे, एक और तरीका है इसको लिखना है एक सिंगल स्टेटमेंट में। जैसे हम टर्नरी ऑपरेटर, अगर कोई आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोग है जैसे जावास्क्रिप्ट लोग है, देयर इज अ वे टू राइट एल्स और इफ एल्स को एक सिंगल स्टेटमेंट में, उसे लिखने की आज हम कोशिश करेंगे कैसे। लेट मी डिक्लेयर अ वेरिएबल रिजल्ट और ये सेम कंडीशन लिखने की कोशिश करूंगा मैं, x इज ग्रेटर देन y इफ x इज ग्रेटर देन y एल्स प्रिंट करेंगे x इज लेस देन y और सेम एज y। अब हम प्रिंट रिजल्ट करेंगे टू वेरीफाई क्या रिजल्ट आएगा। लेट्स सी, पहला केस है हमारे पास x ग्रेटर देन y वाला, तो दोनों जगह पहले वाले इनपुट विच आर रिटर्न इन तीन अलग अलग लाइन में और ये एक लाइन में लिखने वाला दोनों मैच कर रहे हैं। अगर मैं इसमें दोनों को इक्वल करता हूं तो इट शुड गो टू द एल्स कंडीशन, यस x इज सेम एज y और नेक्स्ट इसमें हमने एल्स पे लिखा x इज लेस देन y और सेम एज। दिस इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ हाउ अ कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क इन पाइथन, एकदम बेसिक सा था। अब हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इसको 50% सॉल्व करूंगा और मैं कमेंट पे सेम प्रोग्राम को पेश करूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि आप इसे प्रैक्टिस करके इसका बेस्ट कंडीशन वे बेस्ट रिजल्ट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पेश कीजिए और जो भी करेक्ट सॉल्यूशन होगा मैं उसको पिन करूंगा अपने कमेंट पे। सो लेट्स ट्राई विथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। पहले आज का प्रैक्टिस प्रॉब्लम एक स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम है, तो आप जानते हो कि आप बेस्ड ऑन ग्रेड, एक बढ़िया एग्जाम्पल है क्योंकि इट्स अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। आप जानते होंगे कि आपके रिपोर्ट कार्ड में बेस्ड ऑन नंबर आपको ग्रेडिंग दिया जाता है, तो आज हम उसको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम के तौर पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे पाइथन में। तो सबसे पहला चीज आप मेरे क्वेश्चन में देख सकते हो कि स्कूल में एक डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम होता है। अगर आपकी स्कोर 80 एंड अबव हो तो आपको ए ग्रेड मिलना चाहिए, अगर आपकी स्कोर 60 से 80 के बीच में होगा तो बी, 50 टू 60 होगा तो सी, 45 टू 50 होगा तो डी, 25 टू 45 टू ई, एल्स उसके नीचे अगर जाता है तो आपको फेल या एफ ग्रेड दिया जाएगा। तो मैं इसमें से 50% मतलब सी ग्रेड तक मैं इंप्लीमेंट करूंगा अब इस वीडियो पे, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आपके एडिटर में ये पूरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम ट्राई करें और उसमें बहुत सारी अच्छी इंप्रूवमेंट करें और उसे कमेंट सेक्शन में पेश करें और आई विल वैलिडेट, और सबसे बेस्ट जो प्रोग्राम होगा मैं उसको पिन करूंगा अपनी कमेंट सेक्शन में एट द टॉप ऑफ द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स बिगिन टू इंप्लीमेंट दिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सो सबसे पहला मैं मेन फंक्शन लिख लूंगा अपनी, बिकॉज दैट विल बी इजियर फॉर मी, और मैं उसको रन करने के लिए इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स डबल अंडरस्कोर मेन, अगर ये मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन को कॉल करें। अब मैं पहले इस प्रोग्राम को कमेंट कर दूंगा सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू फॉलो जो भी मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट प्रिंट करूंगा। और ये मल्टीपल कमेंट ब्लॉकिंग सिस्टम है पाइथन में, आप तीन कोड डालने पे मल्टीपल कमेंट ब्लॉक ऑफ कमेंट मतलब मल्टीपल लाइंस को कमेंट कर सकते हो आप।
अगर सिंगल कमेंट है तो आप डबल हैश से ट्राई कर सकते हैं. इट्स अ बेसिक टिप्स फॉर वर्किंग विथ पाइथन. सो लेट्स सी. सो अभी मैं एक इनपुट लूंगा. सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 80 इनपुट इक्वल टू 80. इफ पहला कंडीशन होगा इफ मेरा इनपुट ब्रैकेट ले लूंगा मैं, अगर इनपुट ग्रेटर देन 80 है तो रिजल्ट होगा मेरा ए ग्रेड. ओके एल्स मैंने कंडीशन डाला और रिजल्ट को मैंने ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया. अब मैं जाता हूं नेक्स्ट कंडीशन में. अब आपको ध्यान देना चाहिए कि नेक्स्ट कंडीशन 60 टू 80 है. मींस मुझे 60 से ज्यादा मिलना चाहिए या 80 या 80 से कम, तब मुझे बी देना है. आप यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें अर्थमेटिक भी यूज हो रहा है. 60 से ज्यादा होना चाहिए, 80 या 80 से कम. तो मेरा कंडीशन होगा एल एफ इनपुट इनपुट सॉरी इनपुट ग्रेटर देन 60 एंड इनपुट लेस देन इक्वल टू 80. अब जान सकते हो क्योंकि मैं 80 क्यों लिखा, क्योंकि 80 के अबाव में ए ग्रेड मिलेगा, एग्जैक्टली 80 पे मुझे बी ग्रेड मिलेगा. तो अब इस पे रिजल्ट होगा रिजल्ट इक्वल टू बी. ओके इसी तरह हम थर्ड कंडीशन भी लिखेंगे एलिफ इनपुट. थर्ड कंडीशन में सी ग्रेड के लिए हम 50 से 60, अगर 50 एग्जैक्ट 50 स्कोर है तो वो डी में जाएगा, अगर 50 से ज्यादा है तो सी में आएगा. तो एग्जैक्ट 50 से ज्यादा होगा इनपुट ग्रेटर देन 50 एंड 60 से कम मींस इनपुट लेस देन इक्वल टू 60 होगा तो रिजल्ट को हम सी कर देंगे. ओके नहीं तो हम रिजल्ट को अभी के लिए एफ कर देंगे, बिकॉज बाकी तीन कंडीशन आप इंप्लीमेंट करोगे और आपके प्रोग्राम मुझे शेयर करोगे इन कमेंट सेक्शन. लेट्स सी. अब पहला इनपुट हमने एज अ टेस्ट इनपुट लिया है 80, एग्जैक्ट 80. तो इसके हिसाब से अगर ग्रेटर देन 80 तो ए होना चाहिए, इस केस में हमें बी एज अ रिजल्ट आना चाहिए. लेट्स क्लियर द स्क्रीन क्लियर एक और बार, और अब हम फिर से रन करने की कोशिश करेंगे. सॉरी क्योंकि मैंने रिजल्ट प्रिंट नहीं किया, प्रिंट रिजल्ट. तो इससे लेट्स रीट्राई रनिंग द प्रोग्राम. सो आप देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन में बी प्रिंट हुआ है विच इज करेक्ट. लेट्स सी अगर मुझे 100 मार्क्स मिलता तो क्या ग्रेड होता मेरा. एज पर कोड ए ग्रेड होना चाहिए और मुझे मेरे रिजल्ट भी एक ए ग्रेड का वैल्यू दिया है. अब अगर मुझे 25 मिलता है तो क्या रिजल्ट होना चाहिए, मैं फेल होना चाहिए मुझे. यस तो एफ प्रिंट हुआ है. दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल को आप कंटिन्यू करोगे प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अगर आपको और कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो. मैं वंस इन अ डे ऑलवेज मैं कमेंट सेक्शन को गो थ्रू करता हूँ और किसी को कोई हेल्प चाहिए होगा तो मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा. यहाँ तक के लिए आज की वीडियो समाप्त होती है और एक और नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.